हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री और जो है हमारा इसी के अकॉर्डिंग जो है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जी एनालिटिकल केमिस्ट्री इट इज अ साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन। एक्सट्रैक्ट करना, सेपरेट करना, आइडेंटिफाई करना और क्वांटिफिकेशन उनकी क्वांटिटी मेजर करना ऑफ एन अननोन सैंपल। इट आल्सो डील्स विद द मेथड ऑफ डिटरमिनिंग द केमिकल कंपोजिशन और सैंपल्स की केमिकल कंपोजिशन डिटरमिन करना, ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री है। जिस तरह हम कहते हैं ना केमिस्ट्री की दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे केमिस्ट्री का जो है वो कोई स्कोप ना हो, वहां जहां पे केमिस्ट्री जो है वो यूज ना होती हो। दुनिया में हर चीज जो है वो केमिकल से मिलके बनी हुई है और वो केमिकल्स जो हैं वो केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। इसलिए हर जगह पे और एनालिटिकल केमिस्ट्री की भी हर जगह पे जरूरत है। किसी चीज की क्वालिटी डिटरमिन करना कि क्वालिटी क्या है, ठीक है, और क्वालिटी तो हर जगह पे यूज होती है। हम कुछ चार पांच एग्जांपल्स देखते हैं। जस्ट क्लिनिकल लैब्स में जितने भी टेस्ट करवाते हैं एनालिसिस होता है उनमें, जितने भी हम टेस्ट करवाते हैं उनमें एनालिसिस है, यूरिन है, ब्लड है, आजकल जो है ये कोरोना के टेस्ट हैं, कोई और टेस्ट हैं, सब में एनालिसिस है, एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मेडिसिंस बनाते हैं, मेडिसिंस बनाई जाती हैं, उनका टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है इनकी क्वालिटी क्या है, इनमें क्या क्या चीज़ क्वांटिटी क्या है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कितने हैं। इंडस्ट्री में, अब इंडस्ट्री किस किस चीज़ की, हर चीज़ की इंडस्ट्री। कपड़ा है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो एनालिसिस होगी। और भैया ये सारी जगहों पे केमिस्ट्री का जो है वो स्कोप भी है और केमिस्ट्री की जो जॉब्स भी हैं, इंडस्ट्री है, पेंट है, कि ये पेंट जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल तो नहीं है कहीं पे, ठीक है। कोई चीज़ पेंट करते हैं इसमें से कोई ऐसे केमिकल्स तो नहीं निकलते जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। डाइज हैं, डाइज है कि ये एक कपड़ा रंग रहे हैं हम या हम उसमें ऐड कर रहे हैं डाइज, खानों में ऐड कर रहे हैं, खाने वाली चीज़ों के डाई फूड ग्रेड कलर्स हैं या कहीं और पे यूज़ होती हैं, तो इसका मतलब ये कैंसर काज तो नहीं करती, ठीक है। डिटर्जेंट्स हैं, ये ऐसा तो नहीं होगा कि डिटर्जेंट्स जो है उनका एनालिसिस किया जाएगा कि ऐसा ना हो कि कपड़े का रंग उतार दें, कपड़े को तोड़ फोड़ दें, ख़राब कर दें। तो हर चीज़ पे एनालिसिस होना ज़रूरी है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट की क्वालिटी क्या है, कि एनवायरनमेंट की जो है क्वालिटी क्या है, कि एनवायरनमेंट में जो पानी जा रहा है जो इंडस्ट्री से निकल रहा है या जो बाकी है वो कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा। एयर की क्वालिटी क्या है, बच्चे एयर की क्वालिटी भी डिटरमिन होती है। ओशंस हैं, नदी नाले हैं, उनमें क्वालिटी क्या है, ठीक है। एयर में कार्बन मोनोक्साइड कितनी है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, एनालिसिस इसके लिए चाहिए। फोरेंसिक एनालिसिस, मुझे कोई धमाका होता है वो उसका देखने के लिए कि किस चीज का धमाका है, एक्सप्लोसिव कौन सा है, कौन से केमिकल यूज हुए हैं, ठीक है, और उनका फिर जो है उसके अलावा फिंगरप्रिंट, आपको पता है ब्लड जो है वहां से लोगों का निकलता है उसका एनालिसिस, उसके अलावा गन्स वगैरह जो होती हैं उनका देखा जाता है कि गन्स वगैरह में से कोई ये गोली जो है, एक गोली है उसका फॉल है, शेल है, कि ये इसी गन से चली है या किसी और से चली है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये देखी जाती है।
दो मेन टाइप हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एनालिसिस के और क्वांटिटेटिव। नेम से शो होता है, क्वालिटेटिव एन एनालिसिस इन विच वी डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इन अ सैंपल, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस एनालिसिस इन विच वी डिटरमाइन हाउ मच ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट। पहले है कि कितने हैं, कौन कौन से हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है। क्वालिटेटिव एनालिसिस को फिर दो तरह के एनालिसिस में डिवाइड किया जा सकता है। मुझे इंटरव्यू में 100 में से 90% टाइम्स जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एनालिसिस, या इससे रेलेवेंट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। अगर दो तरह की टेक्निक्स हैं, एक है क्लासिकल केमिकल एनालिसिस जो हम लैब में करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस के टेस्ट हैं, एसिड एनालिसिस के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनालिसिस के टेस्ट हैं, ठीक है, और उसके लिए टाइट्रेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके लिए एनालिसिस करते हैं आप, ठीक है, टाइट्रेशन है, सॉल्ट एनालिसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस, ग्रेविमिट्री के एनालिसिस, ये सारी जो है ना एनालिसिस। ये वेट केमिकल एनालिसिस है या क्लासिकल केमिकल एनालिसिस है, आजकल ये एडवांस जगह पे कम यूज होती है, ठीक है। और दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ये एडवांस और लेटेस्ट है एनालिसिस की टेक्निक्स। इसमें जो हमने स्टार्ट कुछ किया था और अभी हमारा जस्ट थोड़ा सा रहता है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं, ये सारे एनालिसिस जो हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो दूसरा मेथड ये है, ये लेटेस्ट है और इसमें रिलायबिलिटी ज्यादा है, तो मुझे जो आपको आता हो ना उस तरफ जो है आंसर दे दें एनालिसिस जो है। अगर आपको वो एसिड के टेस्ट आते हैं, एनालिसिस के टेस्ट आते हैं, टाइट्रेशन आती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस आता है, तो आप कहें जी ये लैब एनालिसिस है, वेट एनालिसिस है, वॉल्यूमेट्रिक है, ग्रेविमेट्रिक है। अगर आपको उस तरफ आइडिया नहीं है, कम है, तो आप उसे इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस की तरफ ले जाएं कि जहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, फिजिकल प्रॉपर्टीज या लाइट की इंटरेक्शन देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी है या इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कह सकते हैं। डिफरेंस क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस डील्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आइंस एंड कंपाउंड्स इन अ सैंपल, आइडेंटिफाई करता है क्वालिटेटिव। वी मे बी इंटरेस्टेड इन वेदर द गिवन सब्सटेंस इज प्रेजेंट और नॉट, कि गिवन सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है कोई कि नहीं, ये चेक करने के लिए कि इसमें है या नहीं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो है वो ये है कि डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ हाउ मच ऑफ वन आर मोर कंस्टिट्यूएंट, कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है एक सैंपल में। दो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये पहले आनी चाहिए थी वैसे, ये क्लासिकल केमिकल एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस ये हमने देख लिया पहले, ठीक है। ये बच्चे आपको बताना चाहिए स्टेप इन एनालिटिकल एनालिसिस कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करें, दिस मीन्स दैट द एनालिस्ट शुड नो व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। उसने जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको एक सैंपल दिया है, उसमें पूछा गया कि इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो आपने जस्ट क्वालिटेटिव करना है, क्रोमेटोग्राफी से चेक कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं करने चाहिए। अगर आपको चाहिए कि वो उनकी अमाउंट भी चाहिए, तो फिर आपको क्वांटिफिकेशन भी चाहिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी चाहिए, उसके लिए आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी भी चाहिए होगी। अब प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन है
मुझे प्रिसीजन और एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एक्यूरेसी दो टर्म्स हैं। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्रिसीजन का मतलब है हम बार बार हमारा रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट एक दूसरे के कितने क्लोज है, वो रिजल्ट एक दूसरे के कितने क्लोज है, ठीक है, ये है प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी है कि वो एक्चुअल रिजल्ट के कितने क्लोज है, ठीक है। मुझे प्रिसीजन जो है वो है रिजल्ट जो है बार बार उसकी कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब आपने हमारा एक्चुअल रिजल्ट है 10, एक दफा करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 5, दूसरी दफा करते हैं तो आता है 10, तीसरी दफा करते हैं तो आता है 15, 5, 10, 15, एवरेज लेंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन ये हमारा रिजल्ट क्या है, प्रिसाइज नहीं है, ठीक है, कि बहुत वेरिएशन है, 5, 10, 15 की वेरिएशन आती है, ऐसा नहीं है। और दूसरी दफा हम करते हैं, एक और बंदा काम करता है, रिजल्ट आता है हमारा 10, दूसरी दफा आता है 9, तीसरी दफा आता है 11, इसके एवरेज भी लेंगे 10 आएगा, इसकी एवरेज भी लेंगे 9, 10, 11 की एवरेज 10 आती है ये। लेकिन हमारा रिजल्ट प्रिसाइज है कि रिजल्ट्स जो हैं हमारे वो एक्चुअल जो हैं वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, ठीक है। प्रिसाइज होता है कि हमारे रिजल्ट में वेरिएशन ना हो, प्रिसाइज हो। एक्यूरेट होता है कि हमारा रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेटेबल हो। ये है जी, ये पहला है, आपने ये देखा होगा इस तरह की अगर गेम होती है उस पर ये जो है डॉट्स लगाए जाते हैं, डॉट ही कहते हैं उसमें, एक जो है पॉइंटर होता है, एरो होता है छोटा सा, फोन ले लिया अपना। ये देखें पहले केस में हाई प्रिसीजन है, हाई एक्यूरेसी है, साथ साथ भी हैं एक्यूरेट भी हैं रिजल्ट के, जहां पे लगा जाए वहां पे। दूसरी एग्जांपल, दूसरा देखें डायग्राम, प्रिसीजन तो है इनके साथ साथ एक ही जगह पे हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है, रिजल्ट के करीब नहीं है, एक्चुअल के करीब नहीं है। तीसरे में देखें प्रिसीजन लो है, इधर उधर बिखरे पड़े हैं लेकिन एक्यूरेसी करीब है, हाई बहुत तो नहीं है लेकिन करीब है, एवरेज देंगे तो करीब ही आ जाएगा। तीसरे में क्या है, ना प्रिसीजन, चौथे में ना प्रिसीजन है ना एक्यूरेसी है। तो पहला है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दूसरा है ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जिस जो हमने काम करना है उसका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लें, इसलिए हम सैंपलिंग पढ़ेंगे। सैंपलिंग, अ केमिकल एनालिसिस इज यूजुअली परफॉर्म्ड ऑन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मटेरियल, इतना बड़ा है उस सब पे नहीं कर लेना, थोड़ा उसमें से लेना है सैंपलिंग। इस तरह टीचर आता है फॉर एग्जांपल क्लास में आता है, बच्चों से 2-4 से सुन लेता है रैंडमली, तो कदर सैंपलिंग बस ठीक है ये। अब सबसे सुनने बैठे तो 65 बच्चों की क्लास से, तो फिर तो लेक्चर पढ़ा नहीं जाएगा ना, फिर सुना ही जाएगा, ठीक। उसी से आइडिया रैंडम और सैंपल जो है वो रैंडम है, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स है, वो सैंपलिंग में देख लेंगे। फिर सैंपल प्रेपरेशन, आप सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, सैंपल लेते हैं, आपको जो है लैब अटेंडेंट ज़्यादा सा एक सॉल्ट दे देता है, आप उसमें से थोड़ा सा लेते हैं, वो है थोड़ा सैंपल लेना, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। फिर उसकी प्रेपरेशन है कि उसे आपने डिसॉल्व करना है, क्या करना है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन बनाना है, वो है सैंपल प्रेपरेशन। फिर है केमिकल सेपरेशन, अगर आपको सेपरेशन की ज़रूरत है तो आप फिल्टर कर लेते हैं कि इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उसमें जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के उसे सेपरेट करते हैं ताकि उसमें इम्प्योरिटीज़ ना हो। फिर हम उसके बाद मेजरमेंट्स करते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। भैया ये 6 स्टेप हैं तकरीबन, ये बेसिक स्टेप्स हैं और इन्हीं के आगे डिटेल है। बेसिक टूल्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री,
इन एनालिटिकल केमिस्ट्री मेजरमेंट्स आर मेड यूजिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरमेंट कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स से यूज करके। द अरे ऑफ दीज इक्विपमेंट इज इम्प्रेसिव, रेंजिंग फ्रॉम सिंपल इनएक्सपेंसिव टू कम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। क्या है कि सिंपल इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, उसके अलावा कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, इस तरह भी हमने बात की कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बजे मिलियंस में आता है सिंपल सा, और अगर हर इंस्ट्रूमेंट का अपना पर्पस होगा, यूज होगा। फॉर एग्जांपल मैस, वॉल्यूम मेजर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। अभी हम देखते हैं कि इनमें भी वैरायटी है। डिश, फ्लास्क, फनल, सिलेंडर, पिपेट्स, टेस्ट ट्यूब्स, ट्यूबिंग्स, वायल्स, वायल्स छोटे छोटे ऐसी बॉटल्स टाइप जिसमें जो है कोई केमिकल या कोई सांप रखा जाता है, वायल कहते हैं उसे। वॉच ग्लास शीशे का एक पीस होता है, बैग, बॉटल, ब्यूरेट, कंटेनर, फ्लास्क, फनल, जग, पेटी डिश, पिपेट, सरिंज, ये चीजें हैं। ये मैंने एस तक लिखी हुई, आगे और भी हैं, ठीक है। ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव देखेंगे, बैलेंस, सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज होता है जिससे हम सॉलिड और लिक्विड को किसी चीज को घुमाने के लिए उसे घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो सॉलिड जो है वो नीचे बैठ जाता है और लिक्विड जो है ऊपर आ जाता है। जिस तरह घरों में ये शेकर होते हैं, ब्लेंडर होते हैं, मधानी होती है जिससे दही से जो है दूध और मक्खन वगैरह अलग करने के लिए, वो सेंट्रीफ्यूज ही होता है। उसमें लो डेंसिटी, याद रखें अगर सॉलिड है ना, सॉलिड जो चीज़ें हैं उसमें लो डेंसिटी चीज़ें ऊपर आ जाती हैं और जो हाई डेंसिटी चीजें हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। क्लीनर, डिश वॉशर, डिस्पेंसर्स, ये आप खुद देख लीजिएगा। इक्विपमेंट फॉर मेजरिंग द मैस, सबसे पहले कि मैस मेजर करने के लिए बैलेंस यूज करते हैं। ये टॉप कॉर्नर पे जो हमने दिखाया गया है ये सबसे बेसिक है। ये ओल्ड जो है, एक साइड पे क्या होते थे, वेट डालते थे, दूसरे साइड पे हम सैंपल डालते थे अपना और वो हम बैलेंस करते थे ना। ये ओल्ड बैलेंस है, कन्वेंशनल है या क्लासिकल बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने इन मैकेनिकल बैलेंस को रिप्लेस कर दिया, मैकेनिकल कह लें। अब है मेटलर बैलेंस, नीचे दिखाए गए हैं दो बैलेंस, टॉप लोडिंग बैलेंस भी कहते हैं इन्हें, टॉप लोडिंग बैलेंस भी इन्हें कहते हैं हम। जो पहला है वो थोड़ा सस्ता है, उसके में ऊपर कवरिंग शवरिंग नहीं होती कोई, और दूसरा और इसकी सेंसिटिविटी कम होती पहले की। दूसरा जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव जो है मेजरमेंट्स के लिए दूसरा यूज होता है, जिसके ऊपर ग्लास का केसिंग भी है। यूज कैसे करना है, जो पहले वाला ये ग्राम्स में और ग्राम्स के बाद 0.1 डिजिट देता है, इनके ग्राम का दसवां हिस्सा। और जो दूसरे वाला बैलेंस है, जो ग्लास बैलेंस है, ये मिलीग्राम तक आपको आंसर देता है। और इसके अलावा कुछ होते हैं जो इससे भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन लैब्स में यही दो यूज होते हैं। हमारी लैब्स में स्पेशली जहां पे एनालिसिस की लैब्स होती है ना, एडवांस लैब, वहां पे दूसरे भी यूज होते हैं। अब यूज करने के लिए सबसे पहले तो इसका इंटीरियर जो है उसमें पार्टिकल नहीं है, मट्टी नहीं पड़ी होनी चाहिए जैसा कि होता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्लास डोर्स जो है वो बंद होने चाहिए जी। बैलेंस जो टेयर होना चाहिए, दोनों बैलेंस टेयर होते हैं। टेयर का मतलब क्या है कि समटाइम जब वो रीडिंग अलग शो करता है तो टेयर का मतलब जीरो का रहना, हम पंजाबी में कहें धड़ा कर लेना। जो पुराने बैलेंस होते थे ना, उनमें रखते थे हम बर्तन एक साइड पे, एक साइड पे बर्तन रखते थे, उसके बाद क्या करते थे दूसरी तरफ पहले बर्तन को बैलेंस करते थे ताकि बर्तन का वजन ना आ जाए, उसे कहते हैं टेयर करना। इसके ऊपर बटन होता है, टेयर करता है, वो जीरो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हमने बीकर रखा, उसके ऊपर बीकर रखा, कोई चाइना डिश रखी, कोई प्लेट रखी, जिसमें हमने अपना सैंपल जो है वेट करना है, तो अब उसका वजन भी आ जाएगा, उसको टेयर करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब उसका मतलब उसने
उस बीकर का वजन निकाल दिया, उस फिल्टर पेपर का वजन निकाल दिया, अब उसका वजन निकल जाएगा तो अब जो भी हम डालेंगे वो हमारे सैंपल का वजन होगा। सैंपल इज प्लेस्ड ऑन टू द बैलेंस एंड डोर्स आर शट, और सैंपल रख के डोर शट कर देते हैं। भैया जो सेंसिटिव बैलेंस होता है इससे हवा पंखे वगैरह की हवा जो होती है उसका भी वजन आ रहा होता है। जब स्टेबिलिटी आ जाए, समटाइम रीडिंग फ्लक्चुएट करती हैं, कम ज़्यादा होती हैं, जब रीडिंग जो है स्टेबिलिटी आ जाए तो उसको मैस रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद है वॉल्यूम मेजर करना लिक्विड्स का। भैया गैसेस तो हम नॉर्मली कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, हमारी लैब्स में यूज़ होती हैं लेकिन हमारा कोई इतना कंसर्न नहीं होता, वॉल्यूम ही यूज़ होता है मोस्टली। सॉलिड का मैस है तो लिक्विड का वॉल्यूम है। पहला जी बीकर और फ्लास्क, जो मोटी मोटी मेजरमेंट करनी हो, कोर्स होता खुरदरी से, यानी कि कोई बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं चाहिए, हमें अंदाजा चाहिए। जब वहाँ पे अंदाजा लगाना हो वहाँ पे हम बीकर और फ्लास्क यूज कर लेते हैं। इसके ऊपर ग्रेजुएशन बनी होती है कि कितना है, और इसमें 5% वेरिएशन आ सकती है। मतलब अगर आपने 100 लिया ना तो वो 95 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है। ये हैं जी ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स, ये बेकॉस्टली भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, और इसको जो है इसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है। दे रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन एक्यूरेसी ओवर बीकर एंड फ्लास्क 1% तक। और अगर मतलब 1% है, 10 ml अगर हमारा ग्रेजुएटेड सिलेंडर है ना तो उसमें जस्ट 0.1 ml का डिफरेंस आ सकता है, 0.1 ml का डिफरेंस आ सकता है। अगर हमारा 100 ml का बीकर है ना तो उसमें 1 ml कम हो सकता है या 1 ml ज़्यादा हो सकता है। इसमें भी डिफरेंट रेंजेस होती हैं, 5 ml का भी होता है, 10 का भी, 20, 50, 100, 200, 500 का भी होता है, ठीक है, ml का, और 2000 ml का होता है, 2 लीटर तक भी होते हैं। ये ग्लास या प्लास्टिक के होते हैं, उनके अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ग्लास को जो है क्लीन करना आसान है, ग्लास की एक्यूरेसी ज़्यादा है, ग्लास में इम्प्योरिटीज़ कम होती हैं, क्लीन होगा तो इम्प्योरिटीज़ कम होगी, लेकिन फ्रेजाइल होता है, टूट सकता है, एक्सपेंसिव जो है वो महंगा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक सस्ती है, टूटता नहीं है, ठीक है, लेकिन सफाई करनी मुश्किल होती है, साफ़ करना मुश्किल होता है, इस तरह की जो है इनमें इश्यूज हैं। नेक्स्ट है पिपट्स। पिपट्स के दोनों स्पेलिंग हैं, PIPET, पिपट्स, ये दो तरह के स्पेलिंग हैं इसके, PIPET या सिंगल ई भी लिख लेते हैं। पिपट्स, दीज आर द सिलेंडर ट्यूब्स, सिलेंडर का मतलब बारीक सी ट्यूब्स होती हैं, 12 से 24 इंच तक, एक जो है 12 to 24 inches तक होती हैं। मेयर अ प्री डिटरमाइंड वॉल्यूम सच एज 25 ml, 10 ml, जितना भी है, 10 ml से लेके 25 ml तक नॉर्मली होती हैं, इसे कम की भी होती हैं, 1 ml की पिपट भी होती है। मैनी हैव ग्रेजुएशन, कुछ के ऊपर ग्रेजुएशन से निशान बने होते हैं, दैट अलाउ ऑड एंड फ्रैक्शनल वॉल्यूम्स टू बी डिलीवर्ड। ग्रेजुएशन का मकसद ये होता है कि अगर हमें कम या ज़्यादा चाहिए, अगर हमें 10 ml चाहिए तो 10 ml की ग्रेजुएशन होगी। अगर देखते हैं कुछ जो है ना, कुछ पिपट्स होती हैं उनमें पेट होता है कि बस वो 1 ml की है या 5 ml की है या 10 ml की है, उसमें हम ये नहीं देखते 6 ml, 7 ml वो नहीं ऐड कर सकते ना। और ये देखिए उससे भी एक्यूरेट है, 0.02 ml तक भी एक्यूरेट होती हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं। और ये वॉल्यूम मिट्टी ग्लासवेयर है,
ये नीचे वाली डायग्राम में पिपेट फिलर दिखाए गए हैं। मुंह से सक करना जो है वो डेंजरस हो सकता है, मुंह में केमिकल जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पिपेट फिलर्स हैं। सबसे ऊपर वाला पिपेट फिलर ओल्डर वन है, पुराना यूज होता था, अब उससे नेक्स्ट जो दूसरे वाला वो न्यू है, और तीसरा लेटेस्ट है और मैकेनिकल है। पिपेट मुझे बहुत रंगी है, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट ये है जी। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में इस तरह ये है, इनके ऊपर ग्रेजुएशन नहीं है। ये पहली 1 ml की, दूसरी 4 ml की, तीसरी 10 की, चौथी 15 की, 20 और 25 ml की, इस तरह ये पिपेट्स हैं। इनमें कम या ज्यादा नहीं कर सकते, 1, 4 है, 10 है, 10 में से 5 नहीं ले सकते, ठीक है। ये भी प्रिसाइज होती हैं। इनमें एक दरमियान में बल्ब होता है, ऊपर एक निशान लगा होता है, बल्ब से ऊपर है निशान एक ट्यूब पे। मेयरिंग पिपेट भी ऐसी ही होती हैं जो भी हमने पहले बात की, वो मेयरिंग पिपेट हैं। माइक्रो पिपेट ये सबसे नीचे दिखाई गई हैं, ये बिल्कुल मैकेनिकल हैं और ये महंगी हैं। ये 10,000, 15,000, 20,000 तक प्राइस की आती हैं माइक्रो पिपेट। और इनका लेकिन फ़ायदा है कि ये माइक्रोलीटर में जो है वॉल्यूम लेती हैं। ठीक है, माइक्रो लीटर में, मतलब के एक लीटर का माइक्रो क्या होगा, 10,00,000 हिस्सा, ठीक है। तो इतने वो जो है एक्यूरेट होती हैं, इतनी जो है वो क्या कह लें इसे जो है, ये कम वॉल्यूम में ये कर सकती हैं, लेकिन ये कॉस्टली होती हैं, महंगी होती हैं। अभी हमने बात की ना कि जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट देखें जी, पेस्टर पिपेट, ये जो आई ड्रॉप जो पहला दिखाया गया, आई ड्रॉप की तरह होती हैं ये, स्मॉल अमाउंट लिक्विड की, इनमें भी होता है कि कितने कितने की हैं। इसके ऊपर ग्लास या प्लास्टिक का बल्ब लगा होता है, कि ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, ऊपर एक सेपरेट बल्ब होता है, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन नहीं होती। ट्रांसफर पेपर ये जो राइट साइड पे हैं, ये भी वैसी होती है पेस्टर पेपर, इसमें अलग से बल्ब नहीं होता, ये प्लास्टिक की नॉर्मली होती हैं और ये डिस्पोजेबल होती हैं, एक दफ़ा उठाया, यूज़ किया, फेंक दिया। नेक्स्ट है यूजिंग एंड क्लीनिंग पेपर्स, जो है क्लीन करना, यूज़ करना मुश्किल होता है। हर चीज़ जो आपने लेनी है वो वाश करके यूज़ करनी है, वाश करके यूज़ करनी है, और उसके बाद जो है वाश करके वापस रखनी है। लेकिन जो है इसको यूज करना थोड़ा सा, क्लीन करना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत नैरो है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके जब आपने पिपेट यूज कर लेनी है, उसे आप पिपेट फिल कर लेनी है, उसे आपने थोड़ा टेढ़ा करना है, जिसमें आपने जो भी अपना लिक्विड ऐड करना है थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो लिक्विड उसमें चला जाएगा। और उसके बाद ये नहीं है कि उसमें जो है एक दो ड्रॉप नीचे बच जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप हाथ से झटका लगा के या उसे जो है ग्लास की जो है उसका जिस चीज़ में ऐड कर रहे हैं बीकर वगैरह उसके पैंदे के साथ टच करेंगे तो एक आध निकल जाता है, उसे झटके नहीं देने उसे, ठीक है, कि टूट भी सकती है उसमें। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशन बनाने के लिए जो है ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज किए जाते हैं। ये भी डिफरेंट होते हैं, 100, 250, 500, 1000 लैब्स वगैरह में जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं वो इसी में हैं। इसमें यानी कि मतलब हमने मोलैरिटी बनानी है या मोलर बनाना है, इस तरह हम अपना हमने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, हमने कहा 1 लीटर बजे। अगर हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन देखेंगे भी, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन देखेंगे, कंसंट्रेशन बनाने के लिए हमने 1 लीटर बनाना है। 1 लीटर बनाने का मतलब क्या है कि हमने पहले सॉल्यूट ऐड करना है, बाद में सॉल्वेंट ऐड करना है, पहले थोड़ा सा सॉल्वेंट ऐड करके उसको डिसॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में और सॉल्वेंट ऐड करेंगे। इसके ऊपर भी निशान लगा होता है, यहाँ पे कैलिब्रेशन मार्क है, ठीक है। ऐसा नहीं करते हम कि पहले 1 लीटर जो है हमने वो क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, फिर बाद में उसमें सॉल्यूट ऐड कर लिया ताकि 1 लीटर बन जाए, ऐसा नहीं होता।
इसे याद रखें, इसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जो हमने पहले स्टार्ट में देखा था ना, जो ये जो है बीकर के साथ जो फ्लास्क देखा था, उसे कहते हैं एरलन मेयर फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क। आगे देख लेते हैं, और ये फ्लास्क की और भी टाइप्स हैं। पहला ये फ्लास्क है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं, RBF लिखा हुआ है, राउंड बॉटम फ्लास्क या बॉइलिंग फ्लास्क। ये खुद से स्टे नहीं कर सकता किसी जगह पे ना, इसे क्लैंप से पकड़ना पड़ता है, इस पे कोई मार्किंग नहीं लगी होती, बस ये बताता है कि इसमें इतना वॉल्यूम आ सकता है मैक्सिमम, निशान लगा होता है। हीट वगैरह करने के लिए हॉट प्लेट पे इसे जो है हीट कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे, ये हीटिंग के लिए ही बना होता है, रिएक्शन वगैरह इसी में करते हैं हम। दूसरा सेंटर वाला फ्लास्क जो है, ये ग्रीन कलर का जिसमें सोल्यूशन है, ये जो हमने पहले देखा कॉनिकल फ्लास्क, ये उस तरह का है, ये कॉनिकल फ्लास्क की तरह का है, तो लेकिन इसके साइड पे ट्यूबिंग है, इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्लास्क। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो ये वाला फ्लास्क है जो पहले देखा था वो टाइट्रेशन फ्लास्क कहते थे, इसमें साइड ट्यूब नहीं होती, उसे एरलन मेयर फ्लास्क भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है वर्ड, ये हाईलाइट कर दिया मैंने, एरलन मेयर फ्लास्क। इसमें साइड पे क्या लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं, एक साइड पे एक ट्यूब लगाते हैं, उसमें आगे वैक्यूम पंप लगाते हैं। वैक्यूम पंप क्या करता है, वो वैक्यूम वगैरह खींचता है, ऊपर जो है मेन जो इसका माउथ है, जो मेन ओपनिंग है, वहां पे एक फनल लगाते हैं, इसके अंदर फिल्टर पेपर होता है, उस फनल और फिल्टर पेपर में हम अपना सॉल्यूशन ऐड करते हैं। और लास्ट वन है डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये डिस्टिलेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं। ब्यूरेट है, ब्यूरेट का भी है कि अगर हमने कोई एक जगह फिक्स करके हमने कुछ लिक्विड उसमें ऐड करना है मिली लीटर में या उससे कम या ज्यादा, तो हम ब्यूरेट यूज करते हैं। इनमें भी यही है, इनमें भी यही है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत होती है, 0.01 तक होती है, इसके नीचे जो है वो लगा होता है, स्टॉप कार्क लगा होता है, और भाई ये भी डिफरेंट साइजेस की अवेलेबल होती हैं। अच्छा, इन सब के ऊपर ना लिखा होता है इतना वॉल्यूम इतने सेंटीग्रेड पे, इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो ये टेम्परेचर ज्यादा होने से एक्सपेंड भी कर जाती हैं, इनके एक्सपेंड हो जाएंगी या जो है वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगे थोड़ा सा, यानी कि सूखती भी हैं जिस तरह हम कहते हैं, तो वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से इसमें वैरायटी आती है। मेजरमेंट विद ब्यूरेट, भाई ये सब में यही रहना चाहिए, ये देखें जब आप देखेंगे ना तो आपको एक लोअर लेयर नजर आती है, इसे कहते हैं मिनिस्कस, मिनिस्कस MENISCUS मिनिस्कस। तो अब आप देखेंगे ना, ये पहले वाली डायग्राम में देखेंगे तो आपको नजर आ रही 16, नीचे वाली लेयर अगर देखेंगे ना लिक्विड की वो 16 है, ऊपर वाली नजर आ रही है 16.2, तो कौन सी लेंगे, तो भैया अगर कलरलेस है ना, कलरलेस है तो उनमें नीचे वाली नजर आती है, तो ये 16 लेंगे, अगर कलर्ड है, अगर क्या है कलर्ड है तो उनमें ऊपर वाली लेयर लेते हैं, क्योंकि उनमें नीचे वाली नजर ही नहीं आ रही होती, और अपनी आंख को आईज को इनके इक्वल लेके जाना होता है, इनके लेवल पे लेके जाना, नीचे से ऊपर से नहीं देखते। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, इसके बाद जो है हीटिंग, कुछ दो चार चीजें हम हीटिंग के लिए देख लेते हैं। मोस्ट वेल नोन है बर्नर है, ये बंसन बर्नर, ये राइट साइड वाला भी है, कितना खूबसूरत है, लेकिन अभी हमारे शहर को 5-7 साल लग जाएंगे हमारे यहाँ आते हुए। अच्छा, ये इजी है यूज करना, इसमें नीचे से पाइप होता है, इधर से गैस आ रही होती है, और बर्नर के बॉटम पे ना एक जो है मेटल का जो है रिंग टाइप होता है, और एक होल होता है, उसमें से एयर आ रही होती है,
उसको बंद कर देंगे तो एयर आना बंद हो जाएगी, एयर आना बंद हो जाएगी तो जो हमारे बीकर शीकर होते हैं वो काले हो जाते हैं, और इसको ओपन कर देंगे तो एयर भी साथ आएगी, तो एयर आएगी साथ तो हमारी गैस वगैरह जो भी होगी वो अच्छी तरह बर्न होगी, अच्छी तरह बर्न होगी, ऑक्सीडाइज होगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हीटिंग को, और फ्लेम ओपन होता है तो डेंजरस हो सकता है। मुझे लैब ओवन ये आम ओवन की तरह नहीं होता, आम ओवन में तो जो है ना वो ड्राई नहीं करा, ये चीज़ों को ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। इस पर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, और समटाइम इसके साथ जो है वैक्यूम पंप भी लगे होते हैं ताकि इसमें एयर वगैरह भी ना हो, लेकिन वैक्यूम पंप जो वैक्यूम ओवन जो होते हैं वो और होते हैं। हॉट प्लेट, ये देखिए ये हॉट प्लेट्स हैं जो दोनों पहली, आजकल ये खानों के लिए भी यूज़ होती हैं, ये बिजली भी चलती हैं लेकिन खाने पकाने के, इसके ऊपर तवा रख देते हैं, इसके ऊपर जो है वो ना अपना जो भी बर्तन है पतीला वगैरह जो उसके ऊपर रख सकते हैं वो भी रख सकते हैं। इस तरह की चूल्हे के अल्टरनेट भी यूज़ होती है, और इससे जो है करंट वगैरह भी नहीं होता कोई पड़ता, लेकिन ये जो है बिजली कंजम्पशन इससे बहुत ज़्यादा होती है। ये उन इलाकों में, उन कंट्रीज़ में तो ठीक है जहाँ पे बिजली सस्ती है, जहाँ पे बिजली महंगी है और आती नहीं है, वहाँ पे ये जो है वो सूटेबल नहीं है। या अगर किसी ने सोलर सिस्टम है तो वो ये यूज़ कर सकता है गैस का अल्टरनेट। तो ये जस्ट एक वैसे ही है कि इससे मिलती जुलती बात कि अगर समटाइम कुछ एरिया कॉलोनीज वगैरह में होता है वहाँ पर ये होता है कि जगह सस्ती होती है लेकिन बिजली गैस शैस नहीं होती, तो वहाँ पे आप अल्टरनेट क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट जो है सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सोलर पैनल यूज़ करके आप चूल्हे वाला काम इस हॉट प्लेट से ले सकते हैं, और बाकी जो है आप सोलर बिजली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये दिखाया गया है राइट साइड पे, ये सबसे नीचे जो राइट साइड पे दिखाया गया है ये जो है अभी हमने देखा राउंड बॉटम फ्लास्क, इसको होल्ड करने के लिए यूज़ होता है ये। फर्नेस, अगर हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, ओवन उस तरह काम नहीं करता, किसी चीज़ को डीकम्पोज करना है, तोड़ना है, ठीक है, ओवन जो है वो 500-600 तक जाता है मैक्सिमम ना, लेकिन अगर हमें 1200-1500 तक चाहिए तो उसके लिए फर्नेस यूज़ करते हैं। फर्नेस कहते हैं भट्टी को कहते हैं, ठीक है, इसे मफल फर्नेस वगैरह कहते हैं, इसके अंदर जो है सिरेमिक्स की कोटिंग होती है और इसमें हाई टेम्परेचर पर हम हीट कर सकते हैं। इनक्यूबेटर, इनक्यूबेट करते हैं किसी भी चीज़ को एक खास टेम्परेचर पर रख के, इनक्यूबेटर वो होते हैं जिसमें ये चूजे नहीं निकलवाते, ये अंडों से चूजे वगैरह निकलवाते हैं आर्टिफिशियल, वो इनक्यूबेटर ही होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, उसको जो है टेम्परेचर देते हैं एक खास टेम्परेचर, और इसमें कंडीशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी इसके अंदर जो है वो सेट कर सकते हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री में कम यूज़ होता है, ये बायोलॉजी में ज़्यादा यूज़ होता है। डेसिकेटर, डेसिकेटर डेसिकेट करना, ड्राई करना, आप आसान वर्ड्स में अगर हम बात करें ना तो डेसिकेटर का मतलब है ड्राई करना, सुखाना। बच्चे आपकी कोई भी क्लास जो है वो ये सारी है पेपर के लिए, प्रैक्टिकल के क्यों अलग से नहीं है, ये सारे प्रैक्टिकल भी हैं, एक क्रोमेटोग्राफी के 3 प्रैक्टिकल हैं आपके पेपर का, ठीक है, और जो है वो अलग से भी देख लेंगे, कोई चीज़ एनालिटिकल जो है वो प्रैक्टिकल्स के बगैर है ही नहीं। बस ये लास्ट स्लाइड है आज का, हम ख़त्म करते हैं लेक्चर, इसके बाद 3-4 हमारे लेक्चर और रह जाएंगे। कल हम देखेंगे लैब सेफ्टी, लैब के इंस्ट्रूमेंट्स कैसे रखते हैं और उनकी लेबलिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। परसों देखेंगे हम सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन, इंपॉर्टेंट वन है, कल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बेसिक्स था, ठीक है, 2 ये लेक्चर हमारे हो गए। उसके बाद बचे हमारा एक लेक्चर है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, 3 है, और 1 है एप्लीकेशंस का, 4 लेक्चर इसके बाद तकरीबन है हमारे, इसमें हमारा मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल भी कुछ देखने हुए तो देख लेंगे। ये डेसिकेटर है बच्चे, वो तो ये कि हमने कुछ चीज़ ड्राई कर ली है, अब उसके बाद हमने उसको रखना है कहीं पे, ताकि आजकल देखा ना आपने हवा में नमी बहुत ज़्यादा है तो वो दोबारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती हैं चीज़ें ना, तो अब इससे बचने के लिए ये डेसिकेटर है।
इस डेसिकेटर का ये फायदा होता है कि इसके अंदर ना नीचे एक बॉक्स बना होता है, उसके ऊपर एक जो है ना सुराख सुराख वाली जो है वो प्लेट होती है। इसके नीचे हम कोई कैल्शियम क्लोराइड वगैरह कोई सिलिका जेल रखते हैं ताकि जो है अगर कोई मॉइस्चर आए, अगर कोई मॉइस्चर आए तो वो जो नीचे पड़ा हुआ सब्सटेंस है वो इस मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर ले और हमारा मटेरियल जो है वो ड्राई रहे। ठीक है, ये इसका फायदा है। तो ये डेसिकेटर, इसके बॉटम पे हम अपना डेसिकेंट रखते हैं, ऐसा ऐसा मटेरियल जो ड्राइंग एजेंट है जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगा। उसके ऊपर एक प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर अपना जो भी चीजें रखनी है, केमिकल शेमिकल हमारी लैब्स में है ये, ठीक है, वो रखते हैं। और उसके ऊपर ये जो है ढक्कन दे देते हैं, इसके ऊपर लिड कर से कवर कर देते हैं ताकि जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये बच्चे हमारी बेसिक्स थी। कल हमने पढ़ना है लैब सेफ्टी रूल फॉर स्टूडेंट्स टीचर्स अटेंडेंट्स और लेबलिंग ऑफ केमिकल्स और हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट वह है, पूरी जिंदगी काम साथ चलता है। कल ये पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे सॉल्यूशन प्रेपरेशन, डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स, तकरीबन 11 बजे क्लास ही होगी आपकी, डिफरेंट यूनिट्स पढ़ेंगे और उनकी इंटर कन्वर्जन, मोलैरिटी मोलैलिटी फॉर्मेलिटी और उनकी इंटर कन्वर्जन क्या है। इंटर कन्वर्जन मीन परसेंटेज है, पीपीएम है, पीपीबी है, कैसे बनाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारा एक रह गया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का और फिर हमारी एप्लीकेशंस वगैरह। सलाम वालेकुम।